तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं DNS एनालिसिस के बारे में और यूज करके देखेंगे DNS DICT6 टूल को। सो हे गाइस, दिस इज साइबरिशि बैक हियर विद द न्यू वीडियो ऑन पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम ट्यूटोरियल्स। और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। सो पैरट OS ट्यूटोरियल्स पे मैं एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ अपने चैनल पे, और उस प्लेलिस्ट के अंदर हम लोगों ने बात करी थी सबसे पहले अनाउंसर्स के बारे में, उसके बाद हम नीचे चलते हुए आए थे और अब हम पहुंच चुके हैं पेन टेस्टिंग के ऊपर और हम वन बाय वन सब टूल्स के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। सो सबसे पहले हम लोग पेन टेस्टिंग पे आ जाते हैं और पेन टेस्टिंग में हमारे पास आता है यहाँ पे मोस्ट यूज टूल। सो हम इसको तो बाद में करेंगे क्योंकि ये सारे जो टूल्स हैं वो इन सब के अंदर अवेलेबल है। स्टार्टिंग तो हमारी होगी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग से ही और उसके ऊपर हमारी स्टार्टिंग होने वाली है DNS एनालिसिस के बारे में। और ये रहा हमारा पहला टूल DNS DICT6। सो आज हम इसी टूल के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये टूल है क्या, इसके यूजेस क्या क्या हैं, उसके बाद इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे और परफॉर्म करके देखेंगे इसे एक वेबसाइट के ऊपर कि कैसे इसको यूज़ करना है और क्या क्या कमांड्स इसके अंदर यूज़ होती हैं। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो पहला आ जाता है हमारे पास कि ये DNS DICT6 है क्या। सो बेसिकली हम इस टूल से DNS एनालिसिस करते हैं और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, और उन सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट आ जाता है अगर किसी को नहीं पता कि DNS क्या होता है। सो पहले मैं वो बता देता हूँ थोड़ा सा। सो DNS होता है हमारा डोमेन नेम सिस्टम, और अगर सिंपली इसको एक्सप्लेन करें तो ये डोमेन नेम को IP में ट्रांसलेट करता है। उसके बाद मूव करते हैं हम लोग इस टूल के ऊपर। सो इस टूल को डिज़ाइन करा गया है IPv6 एड्रेसेस DNS वैल्यूज़ के लिए, और साथ के साथ ये IPv4 का एनालिसिस भी कर देता है, और इसके अंदर ढेर सारी डिक्शनरी फाइल्स हैं जो सब डोमेन को टेस्ट करने के काम आती हैं। और अगर इसकी डेफिनेशन और इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊं तो वो ये है कि इट इज़ एन इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल प्रोवाइडेड बाय बैकट्रैक। दिस टूल इज़ यूज टू फाइंड ऑल द सब डोमेन्स ऑफ अ वेबसाइट और अ वेब सर्वर, जो हम अभी करके देखने वाले हैं। एंड द मोस्ट एडवांस यूज ऑफ दिस टूल इज़ टू इन्यूमरेट ऑल IPv6 और IPv4 IPs और IP की इंफॉर्मेशन वगैरह। सो ये हो गया इस टूल के बारे में थोड़ा सा। अब हम बात कर लेते हैं कि इस टूल को हम यूज़ किस पे कर सकते हैं। सो काली लिनक्स के अंदर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और अभी तो मैं इसको कर रहा हूँ पैरट OS पे। सो दोनों के अंदर हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, दोनों के अंदर ये पहले से ही आता है। सो अब इसको चला के देख लेते हैं एक बार। सो चलाने के दो तरीके हमारे पास, या तो हम सीधा टर्मिनल में जाके इसको चला सकते हैं, या फिर हम एप्लीकेशन में जाएंगे, पेन टेस्टिंग में जाएंगे, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में जाके, DNS में जाके इस टूल को यहाँ से भी हम क्लिक करके रन कर सकते हैं। सो अभी मैं यहाँ पे आ गया अपने टर्मिनल पे, और टर्मिनल के बाद हमें इसके अंदर एक कमांड चलानी पड़ेगी। काली लिनक्स है आपके पास तो आप जस्ट सिंपली टाइप करिए इसका नाम एंड एंटर प्रेस कर दीजिए। बट ये पैरट है, सो हमें इसके आगे एक और चीज़ लगानी पड़ेगी, ATK6 देन -, और उसके बाद सेम कमांड और उसका नेम देन 6। उसके बाद ये ओपन हो चुका है, और यहाँ पे इसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं वो भी हम पढ़ सकते हैं। इसको एक बार मैं बड़ा कर देता हूँ और उसके बाद आराम से एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या क्या है। कुछ ऑप्शंस हमारे पास हैं, -4 दबाने के बाद ये होगा, -T से ये होगा, तो इसको भी अभी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सो अब थोड़ा ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। सो पहला आ जाता है हमारे पास -4, जिससे हम लोग IPv4 की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, और लिखा है डू ऑल्सो डंप IPv4 एड्रेसेस। तो अगर हमें IPv4 एड्रेसेस भी चाहिए तो हम -4 कमांड लगाएंगे, -4 को भी ऐड करेंगे। फिर आ जाता है -T, सो ये स्पेसिफाई करता है नंबर ऑफ थ्रेड्स। और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है इसके बारे में, सो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करने ही वाले हैं एक वेबसाइट के ऊपर। फिर आ जाता है -D, जो कि है स्मॉल, सो डिस्प्लेस IPv6 इन्फॉर्मेशन ऑन NS एंड MX डोमेन नेम इन्फॉर्मेशन। सो NS का मतलब होता है हमारा नेम सर्वर, और MX का मतलब होता है मेल एक्सचेंज सर्वर। उसके बाद आ जाता है E, सो ये है इग्नोर नो NS फॉर डोमेन एरर। और उसके बाद आ जाता है -S, जो है परफॉर्म SRV सर्विस नेम गेसिंग। और नीचे आपको दिख रहा होगा -SMLXU, सो ये साइज के लिए होता है। अगर हम -S लगाएंगे तो स्मॉल होगा, 100 मिलेगा, उसके बाद M लगाएंगे तो मीडियम, L लगाएंगे तो लार्ज, X लगाएंगे तो एक्सट्रीम, और U लगाएंगे तो एक्सट्रीम से भी ज़्यादा वाला। सो यहाँ तक हमने थ्योरी पढ़ ली है, अब हम आ जाते हैं सीधा प्रैक्टिकल के ऊपर कि इसका प्रैक्टिकल कैसे करना है, कैसे हम इसे किसी वेबसाइट और सर्वर पे परफॉर्म करके देख सकते हैं। सो उसके लिए हम लोग सिंटैक्स यूज़ करेंगे जो मैंने पहले किया था इस टूल को स्टार्ट करने के लिए, वो रहिए। उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सिंटैक्स हमें क्या यूज़ करना है, ये ATK6, उसके बाद इसका नेम, उसके बाद ये सारे जो -s हम लगा सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद लास्ट में डोमेन का नेम, बेसिकली जिस वेबसाइट पे हम लोग करना चाहते हैं ये। सो मैं लगा लेता हूँ सबसे पहले। सो यहाँ पे मैंने लगाया -D4 space -T32।
सो हाइफन डी और 4 यूज करा आईपी के लिए, IPv4 और IPv6 के लिए. IPv4 और IPv6 मतलब आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6, सो अगर नहीं पता तो बता देता हूँ. और फिर हाइफन टी आ जाता है, हाइफन टी हमने लगाया स्पेसिफाई द नंबर ऑफ थ्रेड्स, और डिफॉल्ट में ये 8 रहेगा और मैक्स 32 है तो मैंने मैक्स कर दिया 32. अगर कुछ नहीं लगाता सो ये 8 करता. फिर आ जाता है हाइफन यू पे और हाइफन यू, सो हाइफन यू मैंने इसके लिए कर दिया एक्सट्रीम से भी ज़्यादा वाले नंबर के लिए. सो अब हम लिखते हैं डोमेन का नाम. सो डोमेन हम लोग सबसे पहले हम लोग फेसबुक पे करके देख लेते हैं. तो यहाँ मैं लिखूंगा www.facebook.com. सो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, लिखा है स्टार्टिंग DNS इन्यूमरेशन वर्क फॉर www.facebook.com. और यहाँ पे तो यहाँ पे नेम सर्वर, और उसके बाद दोबारा से एक, उसके बाद एक और NS फॉर फेसबुक. तो यहाँ पे आ गया. सो IPv4 है ये और ये IP वर्जन 6 है. फिर आ जाते हैं नीचे और यहाँ लिखा है नो IP वर्जन 6 एड्रेस फॉर मेल एक्सचेंज एंट्रीज, MX मतलब मेल एक्सचेंज एंट्रीज फाउंड फॉर DNS. तो वो नहीं मिली और IPv4 के लिए भी MX एंट्रीज नहीं मिली. तो जैसा कि अभी हमने देखा, हमने इस टूल को यूज़ करा, उसके कुछ कमांड्स को यूज़ करा और देखा कैसे किसी के नेम सर्वर और मेल एक्सचेंज सर्वर के बारे में डिटेल्स निकाली जा सकती हैं. इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता इसके बारे में, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे चैनल पे एक स्ट्राइक पड़ी थी, एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ी थी. और ऑलरेडी मेरे चैनल पे एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ रखी है, उसके बाद वो दूसरी भी आ गई थी और तीसरी पे चैनल टर्मिनेट हो जाता है. सो मैं इतना ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता. और रही बात उस वीडियो की जो कि हटा दी गई थी, सो बाद में मैंने अपील करा कि मैंने उस वीडियो के अंदर कुछ ज़्यादा नहीं करा, मतलब कोई हैकिंग वगैरह नहीं सिखाई थी. वो थी फेसबुक हैक बाय फीबैक्स वाली वीडियो, जिसके अंदर मैंने बताया था कि कैसे जो फीबैक्स वेबसाइट है वो लोगों को पागल बनाती है ये बोल के कि उससे फेसबुक का पासवर्ड निकल जाता है, फेसबुक को हैक कर लेते हैं उससे. और वही सब मैंने उस वीडियो के अंदर बताया था कि ऐसे ट्रस्ट ना करो उस वेबसाइट पे, वो सिर्फ लोगों को पागल बनाती है. सो उस वाली वीडियो पे गाइडलाइन स्ट्राइक आ गई थी, पता नहीं क्यों. बाद में जब अपील करा, अपील करने के बाद उन्होंने बोला कि हाँ ओके आपकी वीडियो अच्छी है, उन्होंने वापस से दे दी और स्ट्राइक हटा दी. सो इतना ही था आज की इस वीडियो में. अगर आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी हो इसके बारे में तो बेसिक तो मैंने बता दिया आपको, बेसिक से ऑलमोस्ट ज़्यादा ही बता दिया. और एंड खुद करके देखो, बहुत कुछ समझ आ जाएगा, आराम से समझ में आ जाएगा. और गूगल की हेल्प ले सकते हो, थोड़ी बहुत यूट्यूब की भी हेल्प ले सकते हो. और ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप सबके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियोस लेके आता रहता हूँ. और अभी चल रही है पैराट ऑपरेटिंग सिस्टम के ट्यूटोरियल, सो अगर आपको सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मैंने बता रखी है, सो प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं. हर टूल के बारे में अच्छे से बात हमने करी है, डिटेल में बात करी है. और बस खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे. जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे ट्यून्ड.